हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमटी करियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मनीदीप आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस बायोलॉजी में विटामिन टू का दूसरा वीडियो, जिसका इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड एक वीडियो अपलोड कर रखा है। जिस लोगों ने नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख लें, चूँकि उसमें मैंने केमिकल नेम कैसे सबके सारे विटामिन के याद करने हैं और उनसे होने वाले रोग क्या है वो सारा डिस्कशन कर रखा है। उसका पीडीएफ भी आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहा था, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप का लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जाके आप व्हाट्सअप लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और विटामिन है वो हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं आपको बताना है। विटामिन ए होता है, नहीं होता है। विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन ई नहीं होता है। विटामिन सी होता है। मैंने कल आपको बताया था ट्रिक इसको याद करने की, WBC याद करिए आप। RBC WBC ये आप बायोलॉजी में पढ़े ही हैं कि होती हैं। तो वो WBC मतलब W मतलब वाटर, बी मतलब विटामिन बी और सी मतलब विटामिन सी। तो केवल दो ही विटामिन है जो हमारी वाटर में सोल्यूबल होती हैं, बाकी कोई भी विटामिन वाटर में सोल्यूबल नहीं है। और बी और सी इसीलिए हमारे शरीर में हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं हो सकती हैं, चूँकि विटामिन सी जो होती है वो हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो मैंने कल आपको ये भी बताया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सम विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल वाइल अदर आर वाटर सोल्यूबल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्यूबल। अब यहाँ पे वाटर सोल्यूबल कौन सी विटामिन है, तो अभी मैंने आपको बताया विटामिन बी और सी आपकी वाटर सोल्यूबल हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। टू का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है। मैच द फॉलोइंग का है क्वेश्चन है डिसीज और उनसे कॉज होने वाले। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हम लोग जानते हैं विटामिन ए की वजह से होती है। रिकेट्स किसकी वजह से होती है, विटामिन डी की वजह से होती है। तो देखिए आपका ए का फोर किस में है, ए का फोर केवल सी में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का आ जाए और सिर्फ आप एक को पकड़िए और उससे देखिए, और अगर वो एक ही ऑप्शन में दे रखा हो तो वही उसका करेक्ट ऑप्शन होता है। ऐसे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका टाइम बच जाता है और दूसरे क्वेश्चन भी कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाना एक्सेप्टेड एज मोस्ट कैलोरीज फ्रूट हैज व्हाट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर 100 ग्राम। 100 ग्राम में बनाना कितनी एक्सेप्टेड कैलोरीज हमें, अगर हम एक्सेप्ट करें तो कितनी मिलती है, तो 116 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होती है बनाना के 100 ग्राम से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर रिच सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट इज। तो ऐसा कौन सा है जिसमें प्रोटीन और फैट दोनों ज़्यादा हो। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्राउंडनट होता है जो जिसको हिंदी में मूँगफली बोलते हैं। इसमें विटामिन और फैट दोनों होता है। विटामिन का परसेंटेज आपका इसमें, प्रोटीन का इसमें परसेंटेज आपका 25.3% है और फैट का जो आप परसेंटेज है वो 48.1% है। ग्राउंडनट आपका 1.3 times प्रोटीन ज़्यादा मिलता है मीट के कंपेयर में और 2.5 times एग के कंपेयर में विटामिन ज़्यादा होती है इसमें, और 8 times फ्रूट के टाइम के कंपेयर में इसमें विटामिन ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ग्राउंडनट ज़्यादा हमें खाना चाहिए। ग्राउंडनट्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फैट रहता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड। हेयर जिस प्रोटीन से बने होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको केराटिन बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले भी, अगर वीडियो मेरा वाला देखा होगा आपको, तो मैंने बताया था जो हमारे हेयर और नेल होते हैं वो दोनों अल्फा केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इन तभी और इनको काटने पे हमें दर्द का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोई पेन नहीं होता है, क्योंकि इनमें रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग का है। रेटिनॉल का रिलेशन है हमारा थर्ड से। टोकोफेरॉल का रिलेशन है फोर्थ से। इसी तरह सी
साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन का रिलेशन है 1 से, इसी तरह आपका पाइरोडॉक्सिन का रिलेशन है 2 से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट इज, तो इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपका ग्लूटीन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेली एनर्जी रिक्वायर्ड बाई अ हार्ड वर्कर मैन इज, डेली जो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक जीवन में कितनी डेली प्रोटीन लेनी चाहिए, तो उसको 4000 किलो कैलोरी डेली रिक्वायर्ड होती है जो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मैनी कैलोरीज आर गेन्ड बाई ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। अब ये बहुत जान के बहुत हैरानी की बात होगी कि हमें एक गिलास पानी पीने से कैलोरी नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि वाटर में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है इसमें, इसलिए इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डाइट इज, भोजन का एक प्रमुख अंग है, भोजन का क्या एक प्रमुख अंग है, कार्बोहाइड्रेट है, क्यों कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसलिए कार्बोहाइड्रेट एक इसेंशियल कंस्टिट्यूशन है डाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एलिमेंट दैट मेंटेन बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कालिनिटी इन आवर बॉडी, तो वो कौन सा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में मेंटेन करता है बिटवीन एसिडिटी और एल्कलिनिटी, तो वो फास्फोरस है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में क्या स्टोर नहीं होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी विटामिन है वो ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं, और जितनी भी विटामिन है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, तो एमिनो एसिड हमारे विटामिन में स्टोर नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच फ्रूट इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का कौन सा इस निम्न में से किस फल में लौह आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो करौंदा है, करौंदा में आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और करौंदा का यूज़ हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पाइंज लीव्स कंटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो हम लोग जाते हैं पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा, पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा मात्रा जो आयरन की होती है वो सबसे अधिक होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। आयरन की कमी से एनीमिया रोग भी होता है जिसको हिंदी में अरक्तता बोलते हैं। इस एनीमिया में एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं, एनीमिया के लक्षण ये होते हैं कि शरीर के सुरक्षा तंत्र जो होता है वो दुर्बल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ विच ब्रिंग स्वीटनेस इन मिल्क, तो किसकी उपस्थिति से मिल्क में स्वीटनेस आ जाती है, तो इस लैक्टोज की वजह से आ जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, RRB में हो सकता है पूछ ले आपसे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, लैक्टोज की वजह से दूध में मिठास आती है मिल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच बैक्टीरिया कॉज मिल्क टू स्पॉयल, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो इसमें ये लैक्टोबैसिलस होता है, एक प्रोटीन है, इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया है, इसकी वजह से हमारा जो मिल्क है वो स्पॉयल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ट, इनमें से क्या मिल्क टू कर्ट को करता है, बैक्टीरिया जो जो होते हैं बैक्टीरियो द्वारा मिल्क जो है हमारा कर्ड में कन्वर्ट होता है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आप लोगों को बताया, और जो PDF की शिकायत थी वो भी सॉल्व कर दी गई है, इसके वीडियो के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप लिंक दे दिया जाएगा, उस पर जाके आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग CMT इंस्टीट्यूट CMT।